आप सभी का पुनः इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था एल्कोहल के बनाने की प्रथम विधि बाई एल्कीन, यानी एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जिन बच्चों ने एल्कोहल बनाने की प्रथम विधि नहीं देखी है, प्लीज निवेदन है कि वो हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। और आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ बनाने की आगे की विधियाँ बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट, बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट बाई, ये सेकंड विधि है बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको यहां याद करा दें एक सरल तरीके से कि कैसे याद हो कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहां पर आपको याद करा दें, आप लोग देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। यहां पर याद रखें आप कि बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एसिटाल्डिहाइड वगैरह कोई भी एल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड ले लें, जैसे एसिटाल्डिहाइड, तो यहां पर ये एल्डिहाइड है, यानी इसके अलावा अन्य एल्डिहाइड के द्वारा आप जब बनाते हैं इसके द्वारा तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और कीटोन्स के द्वारा 3 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जब हम RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लीजिए आप, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो यहां पर देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। यहां पर ये पोर्शन आपका होता है पॉजिटिव, ये पोर्शन होता है नेगेटिव, तो ये सबसे पहले एडक्ट बनेगा। एडक्ट बनने में देखिए ये सी है, अब ये यहां पर ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ आकर के नेगेटिव जुड़ जाएगा आर, और ये ओ यहां पे चूंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा था तो ये नेगेटिव के साथ में ये प्लस वाला जुड़ गया आकर के MgX, इसको हम लोग कह देते हैं एडक्ट। इस एडक्ट का हम लोग जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो जल अपघटन कराने पर क्या होता, देख लीजिए सिंपली हमने ये इस तरीके से लिख दिया, यहां पर ये टूटेगा और टूट करके देखिए ये टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव जुड़ जाएगा जाकर के, और ये बना देगा MgX एंड OH, और साथ में बनाएगा ये एल्कोहल CR, और यहां पर O के साथ में H जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्शन कराई, सबसे पहले ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, एडक्ट प्राप्त होगा और इसका जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन करा देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। इसी बेस पर आगे की रिएक्शन देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। मान के चलिए आपने 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए मैं इसको भी साफ कर देता हूं जरा एक बार, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए यहां पर कुछ प्रोसेस है मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सभी को फॉर्मूला याद होगा, HCHO होता है, इसको आप इस तरीके से लिख दें बेहतर रहेगा, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और RMGX के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा, पाई बॉन्ड कहते हैं इसको, तो पाई बॉन्ड जब ब्रेकेज होगा तो यहां पर क्या होगा, ये या ऐसे कह दो कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहां पर ये R नेगेटिव जुड़ेगा और R नेगेटिव जुड़ेगा आकर के पॉजिटिव के पास में, और ये MgX ये पॉजिटिव आकर के जुड़ेगा यहां नेगेटिव के साथ। ये सभी रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ये बन जाएगा HCH सिंगल बॉन्ड O। अब ये देखिए ये वाला R था, यहां पर हमने जोड़ा था तो ये R हमने यहां पर लिख दिया है, ये RO और साथ में जुड़ गया ये MgX, इसका करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस, करा दीजिए जल अपघटन, करा दीजिए जल अपघटन, करा देने पर क्या होगा, ये देखिए यहां से ये टूटेगा, ये टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव,
तो यहां पर ये पॉजिटिव के साथ में ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा MgX एंड OH। और यहां देखें आप क्या बन गया, यहां पर RCH2OH, इसको हम लोग कह देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसके द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन में आपने देखा कि किस तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बना सकते हैं। अगर हम यहां पर एक और ले लें, ऑक्सीडेंट के द्वारा भी हम इसकी रिएक्शन के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो बाई ऑक्सीडेंट ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेंट CH2 CH2 O, ये ऑक्सीडेंट है। अब ऑक्सीडेंट के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की RMgX के साथ में रिएक्शन कराओगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये यहां से ये ब्रेक करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये देखिए ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा करके नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा करके पॉजिटिव के साथ। तो यहां ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई और यहां पर आकर के बन गया ये RCH2 CH2 एंड O। और देखिए O MgX ये क्या बन गया, एडक्ट बन गया। अब ये जो एडक्ट बना है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। सभी का ये ध्यान रखना है अपने को, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, यहां से जब ये टूटेगा तो टूटने पर ये नेगेटिव और ये पार्शियल चार्ज पॉजिटिव का है यहां पर, तो ये नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा और पॉजिटिव के साथ में ये नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो यहां ये बन जाता है RCH2CH2OH प्लस MgX एंड OH। यहां देखिए आप 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप यहां पर R एल्काइल ग्रुप है, R क्या चीज है, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में आप क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लेकर के इसके एग्जांपल्स बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बनाने की प्रोसेस। तो ये आपने देखा 1 डिग्री अल्कोहल आपने किसके द्वारा बनाया, बाई फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, ये याद हो गया होगा आपको, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा आपने बनाया। दूसरा आपने किसके द्वारा बनाया, ऑक्सीडेंट के द्वारा बनाया, तो ऑक्सीडेंट के द्वारा बनाया, यानी दोनों विधियों के द्वारा आपने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। तो पेपरों में कई बार क्या करते हैं वो इसके साथ में रिएक्शन दे करके आपसे पूछ देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि, तो यहां पर आपको याद रखना। अब हम लोग ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा ले लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यहां पर, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल किसके द्वारा, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल है, वही कार्बोनिल कंपाउंड ले ले हम यहां पर, तो कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा मैंने आपसे कहा था, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड में भी ले लिया एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बिल्कुल सिंपली है, वैसे ही पार्शियल चार्ज यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ आकर के जुड़ जाएगा। और ये सभी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, यहां पर ये बन गया RC सिंगल बॉन्ड, यहां पर देखिए CH3 ऑलरेडी है, ये R आकर के यहां पर जुड़ गया OMgX। देखिए यहां ऐसे किया था हम लोगों ने, तो यहां पर ये पिछले वाले में भी देखा था ये एडक्ट बन गया। अब इस एडक्ट में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, किसमें, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो हाइड्रोलाइसिस करा देने पर क्या होगा, ये H यहां से देखें आप, और से तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा,
निगेटिव जाकर के जुड़ जाता है, तो ये क्या बनाएगा Mg, X एंड OH, और ये आपका एल्कोहल प्राप्त होता है। देख लीजिए यहाँ पर RCCH3H एंड OH, ये कौन सा एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने की प्रोसेस है। यहां पर मैंने R लिखा है, ये देखिए ये वाला R था यहां आ गया, ये CH3 था यहां आ गया। यदि आप यहां पर इसका एग्जांपल अगर आप बनाना चाहते हैं, इस जगह आप CH3 लिख देते, सपोज दैट CH3, और इसकी जगह आप हैलोजन एलिमेंट्स यानी Cl लिख देते, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या आ जाता, CH3 आ जाता, और यहां पर क्या आ जाता, Cl आ जाता। तो यहां पर Cl लिख देते और यहां पर CH3 लिख देते, तो ये देखिए क्या बन जाता आपका CH3CH CH3OH। देख लीजिए स्पष्ट है 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल आपको मैंने बताया था कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जब जुड़ा होता है उसको हम लोग कह देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाने की एक प्रोसेस हो गई बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर मैं एक और प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाने की एक और प्रोसेस बतलाते हैं बाई फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के द्वारा। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के द्वारा हम लोग बनाएंगे, ये है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर में क्या करते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के 2 मोल लेंगे और इसका 1 मोल लेंगे। क्या करेंगे, इसका 1 मोल ये स्टार्टिंग में ले लिया, आप देखेंगे 2 मोल लिए तो 2 मोल में से 1 मोल यहां पर आ गया। बिल्कुल से सिंपल वही प्रोसेस है जैसे उसमें थी। पार्शियल चार्ज यहां पर देखते हैं, यहां देखे या तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव जाकर के यहां पॉजिटिव पर जुड़ जाता है और पॉजिटिव जाकर के यहां नेगेटिव पर जुड़ जाता है। तो ये सबसे पहले रिएक्शन वही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। एच सी डबल बॉन्ड की जगह हो गया ये सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आकर के ये जुड़ गया आर ओ सी टू एच फाइव, और इसके साथ में जुड़ गया एम जी एक्स। यहां पर देखिए ये बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बॉन्ड टूट करके क्या बना देखिए आप सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, और प्लस एम जी एक्स ओ सी टू एच फाइव। तो यहां पर आप देखें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो जैसे आपने एल्डिहाइड में पीछे रिएक्शन की थी उसी तरीके से यहां पर फिर से रिएक्शन कर सकते हैं। यहां पर 1 मोल फिर से होगा, मैं देखिए यहां पर फिर से ले लेता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर एम जी एक्स के साथ में रिएक्शन की, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां पर रिएक्शन होगी। तो यहां पर फिर से देख लीजिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड का जब ब्रेकेज होगा तो यहां पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा नेगेटिव के साथ और नेगेटिव आकर के जुड़ जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल वही रिएक्शन है, और यहां पर ये बना जा करके आर सी, ये आर आ गया, ये एच आ गया, और सिंगल बॉन्ड ओ एम जी एक्स। तो यहां पर आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोलाइसिस करा देने पर क्या हुआ, ये प्लस यहां पर आप देखें ये प्लस इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा जाकर के, और प्लस के साथ ये नेगेटिव जुड़ जाता है, आपका एम जी एक्स एंड ओ एच निकल जाता है और प्लस ये बन जाता है जाकर के 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाने की एक और प्रोसेस थी। तो इसमें क्या करते हैं, जब फिर से मैं आपको बता दूं ये क्या है आपका एसिटिक सॉरी फॉर्मिक एसिड के एस्टर के द्वारा आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन कराते। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 मोल इसका यहां पर लिया है और 1 मोल हमने यहां पर लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहां पर 1-1 मोल दोनों जगह लिया हुआ है। तो ये इसका नाम है इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट ले लिया। तो इथाइल फॉर्मेट के साथ में ये अब बनाने की प्रोसेस थी 2 डिग्री की। अब मैं लेता हूं 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की प्रोसेस में अभी आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में देखा ही था कि एल्डिहाइड के द्वारा, एल्डिहाइड में सबसे पहले आपने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया था 1 डिग्री एल्कोहल। मैं यहां बता देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया था 1 डिग्री एल्कोहल, और इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अनएल्डिहाइड के द्वारा आपने बनाया था 2 डिग्री एल्कोहल, और
मैं बतलाऊ आपको कीटोन्स के द्वारा आप बनाओगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये याद रखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है और अन्य रिएक्शनों में थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आपने कीटोन ले लिया, सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर डायरेक्टली एसीटोन का यूज करता हूँ, CH3CH3 इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन के साथ में जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, RMGX के साथ में जब आप रिएक्शन कराते हो, देखिए यहाँ पर भी वही बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जो आपने पहले की थी। यहाँ पर ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए आप क्या हुआ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी शो करता है। ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आकर के इसके साथ जुड़ेगा। जब ये इसके साथ जुड़ेगा कब जुड़ेगा, जब इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो इसमें क्या देखिए आपका क्या हुआ, एडक्ट क्या बना सी, ये CH3 जैसे कहते हैं सर, ये ओ, और ये देखिए ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ ये क्या है आर, नेगेटिव, नेगेटिव आकर के यहाँ पर जुड़ गया और जुड़ गया यहाँ पर क्या बन गया ओ और MgX। अब ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, पीछे भी मैंने बताया था R इक्वल्स टू एल्काइल ग्रुप है, इसकी जगह आप CH3 भी ले सकते थे, C2H5 भी ले सकते थे, तो एल्काइल कोई सा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते थे। यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, एसिडिक मीडियम में जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आप गौर से देखिए ये क्या है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ में क्या जुड़ जाएगा जाकर के नेगेटिव। तो यहाँ क्या बन गया CH3 R O H plus Mg X and OH, ये आपको प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल मैंने पीछे भी बताया था आपको, क्या बताया था, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चलिए हमें एक एग्जांपल बता देते हैं, R इक्वल्स टू आपने यहाँ पर भी चलिए यहाँ ले लिया CH3, तो यहाँ पर ये R की जगह पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, और अगर आपने इसकी जगह चलिए BR ले रखा है तो यहाँ पर भी BR हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है CH3, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए टर्सरी बन गया है CH3 CH3 OH, तो ये टर्सरी एल्कोहल बन गया 3 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो ये किसके द्वारा हो गया भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हो गया। अगर हम लोग एक बात और करें यहाँ पर कि अभी पीछे आपने बात की थी फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के द्वारा, यदि हम यहाँ पर ये कह दें फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा यानी एथिल एसीटेट ले, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 के द्वारा, तो इसके द्वारा यानी फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर के द्वारा यानी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी देखिए पीछे भी आपने 2 मोल लिए थे, यहां पर भी हम लोग कितने लेंगे 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल लेंगे यानी 1 मोल यहां पर ले लिया, तो 1 मोल ये ले लिया, तो यहां पर ये क्या हो गया ये नेगेटिव चार्ज हो गया और यहां पर क्या हो गया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कैसा है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आकर के निश्चित रूप से नेगेटिव के पास जुड़ेगा और नेगेटिव आकर के इसके पास में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा डाइथर की प्रेजेंस में यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें एडक्ट मिलेगा और ये बनेगा CH3CO, अब यहां पर देख लें OC2H5 एंड ये R आकर के यहां पर जुड़ गया, O के साथ में MgX पॉजिटिव वाला जुड़ गया, यानी ये क्या बन गया एडक्ट जुड़ गया। अब ये एडक्ट जुड़ गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेकेज होगा यानी ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा और ये यहां से टूटेगा और ये निगेटिव आ जाएगा और ये यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जाकर के CH3CO R plus Mg X O C2H5। तो यहां पर आप देखें ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, कीटोन बन गया। निश्चित रूप से आपने कीटोन के साथ पीछे रिएक्शन कराई थी, तो कीटोन में आपने देखा था कि इसका हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले यहां देखिए आपने 1 मोल यहां लिया, 1 मोल और ले लेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे वहां पर भी आपने रिएक्शन में RMGX लिया था, यहां पर भी हम एक बार ले देते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं टाइम की शॉर्टेज है, RMGX, तो ये क्या हो गया ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पर भी देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डाइईथर की प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होगी, तो यहां पर ये क्या बना देगा देखिए CH3C ये R और ये देखिए इसके साथ R, अब ये सिंगल बॉन्ड O O Mg and X, ये आकर के यहां बनता है एडक्ट बन जाता है। अगर इसका भी हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं,
हाइड्रोलाइसिस में जनरली ऐसे लिख देते हैं, वैसे तो H3O का यूज करते हैं, तो इस तरीके से लिख देते हैं, सब थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है। तो यहाँ पर इसको तोड़ा तो ये नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन गया, ये CH3 C R एंड R, और ये O के साथ में H जुड़ गया, और प्लस MgX एंड OH बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल में ये एक जैसे हो भी सकते हैं, ये और ये, ये दोनों CH3 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप यूज करना चाहे तो RDS का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर RDS का यूज कर सकते हैं, तो ये RDS का यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये बनाने की एक विधि थी, कौन सी, 3 डिग्री एल्कोहल की। अब 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधि के बाद में एक और आती है एल्कोहलों के बनाने की विधि में, रिडक्शन बाय रिडक्शन। तो एल्कोहलों के बनाने की विधि में एक और विधि है, उस विधि का नाम है बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। अब बाय रिडक्शन में मैं आपको बतला दूं, बाय रिडक्शन में और इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए, वहां पर आपने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, फिर अनएल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा वहां पर आपने देखा था 1 डिग्री एल्कोहल बनना है, लेकिन यहां पर अगर आपको याद रखना है, जब आप रिडक्शन रिएक्शन करेंगे तो जितने भी एल्डिहाइड हैं, तो एल्डिहाइड के द्वारा आपका बनता है जाकर के रिडक्शन में, यानी रिडक्शन करेंगे 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और कीटोन के द्वारा जब भी रिडक्शन करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। यहां पर ये याद रखना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या करें, किससे क्या बनना है, कभी आप एल्डिहाइड से किसी से भी आप 1 डिग्री बनाने लगते हो, कभी किसी से। तो यहां पर विशेष तौर से आपको याद रखना है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात आती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड से आप 1 डिग्री बनाए, और उसके अलावा अनएल्डिहाइड से 2 डिग्री बनाए, और कीटोन से 3 डिग्री बनाए। और यहां पर आपको याद रखना है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा याद करा दूं, यहां पर कैटलिस्ट लेंगे, कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। क्या करेंगे, मैं आपको एक लाइन में याद कराता हूं। सबसे पहले हम लोग कोई मेटल, एक्टिव मेटल, तो Ni, Pt, Pd ये कैटलिस्ट के रूप में ले सकते हैं, हैवी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग तो हैवी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप लोग ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सोडियम बोरो हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, तो ये प्रबल अपचायक कहलाते हैं। तो प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी इसका हो सकता है। तीसरा आप यहाँ पर ले सकते हो Na प्लस C2H5OH बुओ ब्लांक रिडक्शन के द्वारा, या बुओ ब्लांक अपचयन इसका नाम है, इसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली है, जिसके द्वारा भी करना उसको यहाँ लिखना होता है, हमको उसको लिखना होता है। ये क्या है, ये थोड़ा सा महंगा है, इसलिए इसका यूज थोड़ा सा कम किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब इसका फॉर्मेशन करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेकर के कि किस तरीके से 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे यहां पर आपने लिया चलिए सपोज दैट CH3CHO एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसका रिडक्शन कराया। अब रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कराया, चलिए आपने लिख लिया Ni Pt Pd की प्रेजेंस में कराया, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो यहां पर। अब इसका रिडक्शन कराया, यहां पर आपने रिडक्शन कराया तो H लिखना पड़ेगा यहां पर, और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, ये बात याद रखना, जब भी रिडक्शन में करते हैं नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लिखना चाहिए, थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है। तो यहां पर ये क्या बन गया जाकर के CH3CH2, देखिए एक H तो इसके साथ जुड़ गया और एक H इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया CH3CH2OH। तो इसके द्वारा आपने देखा कि यहां पर एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, एथेनॉल बना, इसको हम लोग कह देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, क्या कह दिया इसको 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पर कीटोन ले, कीटोन CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एसीटोन ले लिया। अब ये एसीटोन ले लिया, एसीटोन का रिडक्शन कराया, कैटलिस्ट ये ले लीजिए, सेम ले लीजिए। अब कैटलिस्ट यहां पर देखिए, एक एच इसके साथ जुड़ जाएगा करके और एक एच इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना देगा जाकर के सी एस थ्री सी एच ओ एच और ये सी एस थ्री। तो आप यहां पर गौर से देख सकते हैं, जिससे ओ एच जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अटैच है दो से, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टू डिग्री एल्कोहल, टू डिग्री एल्कोहल। तो ये टू डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेमिंग आईयूपीएसी के हिसाब से आप कर लेना, वन टू थ्री, तो प्रोपेन टू ऑल हो गया, तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल है ये याद रख लो। तो यहां पर ये किसके द्वारा हो गया, एल्डिहाइड के द्वारा और कीटोन के, कीटोन के द्वारा। तो यहां पर विशेष तौर से आपको जो कैटलिस्ट है मैंने अभी आपको बताए थे एनआईपीटी और पीडी, और इसकी जगह आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते थे। हम लोग लेते हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। चलिए मैं सिंपली एक रिएक्शन लिख देता हूं, आर सी डबल ओ ओ एच लिख दिया। और यहां पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं तो इसके लिए हमें प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ता है। तो बिल्कुल सिंपल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। और इसके साथ में हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने में हमने यहां पर 4H लिख दिया है। 4H इसलिए लिखा है कि ये 2H तो इसके साथ आ जाएगी, मैं छोटा सा लिख रहा हूं समझाने के लिए, तो 2H तो इसके साथ आ जाएंगे, H2O निकल जाएगा और ये 2H इसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे, तो 2H इसके साथ जुड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाकर के आर सी एच टू ओ एच प्लस एच टू ओ ये निकल जाता है। यहां पर भी आप देखिए 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो यहां पर अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, आर की जगह पे सी एस थ्री रख सकते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखला देता हूं, डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस 4H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो ये बना देगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच प्लस एच टू। तो ये एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एथेनॉल। तो निश्चित रूप से यहां आपकी समझ में आया होगा। एक और हम चलिए बनाने की विधि चलते चलते आपको बतला दें, 1 डिग्री एमीन के द्वारा, एलिफेटिक एमीन के द्वारा, एलिफेटिक एमीन ले लेना, इसको इस तरीके से लिखना, नाइट्रस एसिड लेना, नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू को कहते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा सरल तरीके से आपको याद कराने के लिए एक नई प्रोसेस थोड़ा सा बतला देता हूं, अगर आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख लें एच ओ एन और ओ, इस तरीके से आप इसको लिख लेना, और लिख करके आप बड़ा आसानी से इसको डिवाइड कर दें, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो ये आर ओ एच एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और वाटर रिलीज होगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहां पर आज एल्कोहल बनाने की विधियां। तो दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमारा उत्साह वर्धन करेंगे, हम आपको और अच्छे वीडियो देने का लगातार प्रयास करेंगे। धन्यवाद।